मौसम समाचार में आपका स्वागत है। रोजाना ताजा मौसम की अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें डीडी परफेक्ट न्यूज को। तो चलिए जानते हैं आज कैसा रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। देश के कई राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना, मौसम विभाग का है अनुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज कहा है कि देश भर के लगभग सभी राज्यों में अगले 4 दिनों तक बारिश होने की संभावना है। पिछले 2 दिनों से देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा है कि बेमौसम बारिश का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। पंजाब हरियाणा और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ओलावृष्टि की संभावना है, क्योंकि हवा पश्चिमी और बंगाल की खाड़ी से भी आ रही है। मौसम कार्यालय ने कहा है कि पूर्वी भारत में भी बादल छाए हुए हैं और 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही 3 दिनों तक उत्तर पूर्व में भी भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण में विदर्भ से कर्नाटक तक बारिश की उम्मीद है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र को छोड़कर पूरे देश में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। दिल्ली में छाए रहे बादल। दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह से बादल छाए रहने के बाद बारिश हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 4 दिनों की बारिश के साथ पारा सामान्य से 9 से 10 डिग्री नीचे गिर गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अब एक सप्ताह के बेहतर हिस्से के लिए बढ़ते तापमान से राहत की पेशकश करते हुए तेज हवाएं देखी गई हैं। नोएडा में हुआ जन जमाव। दिल्ली में बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यात्रियों को आश्रय के लिए भागना पड़ा। लाजपत नगर, ITO, लोधी रोड, लुटियंस दिल्ली और नोएडा से भारी बारिश की सूचना मिली है। बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में जलभराव भी हुआ और नोएडा और दिल्ली ITO और अन्य के बीच के हिस्सों में यातायात धीमे हो गया। औसत से कम डिग्री हुआ दर्ज तापमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है, जिससे अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जो मौसम के औसत से 10 डिग्री कम है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहें मौसम की ताज़ा जानकारी से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।